आज संडे है और संडे को होता है काम से छुट्टी का दिन, तो हम लेट ही उठे और लेट ही नाश्ता किया। लेकिन इस वक्त ये नाश्ता मेरा बना है मेरे भांजे के लिए। हमने तो सुबह पराठे खाए साथ में, फ्राई एग और किसी ने अंडे की भुजिया खाई साथ में, और ये मैंने चावलों वाली रोटी बनाई है मेरे भांजे के लिए। यही लाहौर में रहता है, यहाँ पे पढ़ता है ये, और आज मैंने इसको बुलाया हुआ था अपने पास के मैं उसको ये टिपिकल वाला नाश्ता करवाऊँ, क्योंकि पराठे वगैरह तो वो बाहर से आराम से खा लेता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं वो या माँ के हाथ की खा सकता है यहाँ पे, या फिर मासी की हाथ की खा सकता है। तो आज उसकी खाला ने, उसकी मौसी ने उसको यहाँ पे इनवाइट किया है, और उसको ये आइडिया नहीं था कि वो वीडियो में आ रहा है। और मैंने जब वीडियो उसकी शूट कर ली उसके बाद मैंने उसको बोला कि चलो अब अपना नाश्ता शुरू करो, तब उसने नोटिस किया कि वो वीडियो में, फिल्मिंग में आ रहा है। वरना बच्चे दोनों इतने मगन बैठे थे, और दुराब की भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है इसके साथ, क्योंकि ये लाहौर में ही रहते हैं, यहाँ पढ़ता है, तो आना जाना इसका लगा रहता है। बच्चों की बड़ी इसके साथ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है। तो मैं, उसने मुझे दाद भी दे दी कि बहुत मज़े का बना हुआ है, और ये वाकई में बड़ी क्रिस्पी और बड़ी मज़े की ये रोटी बनती है। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर है, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। वरना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस चावल का आटा है, उसमें नमक डाल के उसको ठंडे पानी से बैटर बना लेना है, गूंद लेना है, उसके बाद इसकी इस तरह रोटी बना लेनी है। आज का दिन भी मेरा बहुत बिज़ी गुजरने वाला है, बल्कि बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरने वाला है। कुछ एक चक्कर थे बाहर के, मैं बीमारी से थोड़ी सी अपसेट होने लगी हूँ। तो रबा का मैंने पिछले दिनों आपको स्कूल का यूनिफॉर्म का ट्राउज़र दिखाया था, जो काम वाली जला के चली गई इस्त्री करते हुए, तो वो अब मुझे रिप्लेस करना है, क्योंकि सून उसका अब स्पोर्ट्स डे आने वाला है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसका यूनिफॉर्म ख़रीद लाऊं। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उसी तरफ, और आपको दिखाते हैं कि शॉपिंग किस तरह होती है। और ये तकरीबन हम वहाँ पे नज़दीक पहुँचने वाले हैं, और आज फिर PSL का मैच है, तो दिन, ये है तो दिन का वक्त है, लेकिन तकरीबन क्योंकि 3 से 4 बज रहे हैं और 7 बजे मैच शुरू होना है, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रश शुरू हो जाएगा। यहाँ आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकेंगे कि यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, और लोग भी अब लाइन अप होना शुरू हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, ताकि अपनी पसंदीदा जो चेयर्स हैं उन पर बैठना शुरू कर सकें, और दूसरा सेटल डाउन हो जाएँ, अपने खाने पीने का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकें वो। पसंद है? ठीक है। ओके सर। अब नहीं भी हम पैसे भर के बैठे हैं। हम तो रहन दे, हम जल्दी से आते हैं। दूसरों को तो रायता भी देते हैं, हमें क्यों नहीं दिया? अच्छा, बरकत मार्केट में खाने पीने के ज्यादा पॉइंट है। यहाँ भी ज्यादा अच्छे और शादमान में नहीं है इस तरह, इतने नहीं है यहाँ। सुन, मैं अभी आगे पीछे सारे कॉलेज हो गए हैं ना, हॉस्टल, कॉलेज, हॉस्टल, यूनिवर्सिटियाँ। एक बनू बीफ पुलाव वो भी है। हाँ, असली शेर दिल खान। हाँ। असन नकली कोला पड़े हैं। हमने असली बनू का है। फिर आज हम भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने बन्नू बीफ पुलाव खाया हुआ है। तो खा के ये पता चला कि था तो मज़े का, क्योंकि करारा था,
और बीफ पुलाव तो करारा ही बनता है क्योंकि वो गोश्त ही बड़ा नमकीन और मज़े का होता है, लेकिन सर्विंग बहुत कम थी मुझे ये लगा। हमने ट्राई के लिए तो 200 रुपीज़ के सिर्फ मंगवाए थे, लेकिन वो देखने में लग रहा था कि वाकई में सिर्फ ट्राई के लिए है। बोनलेस बीफ उसका पुलाव बना हुआ है करारा सा, और कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर कि वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। बरकत मार्केट में जो हॉक की आउटलेट थी उसको हमने विज़िट किया, लेकिन हमें वहाँ पे ट्राउज़र ही नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हमारे पास शर्ट्स पड़ी हैं लेकिन ट्राउज़र 4-5 दिनों में आना है, तो हमने सोचा था कि हम ट्राउज़र की वजह से एक पूरा सेट बना लेंगे ताकि ट्राउज़र और शर्ट दोनों एक जैसे नज़र आएँ, नए नज़र आएँ, लेकिन ट्राउज़र क्योंकि अवेलेबल नहीं था फिर शर्ट ख़रीदना यूज़लेस थी वहाँ से। तो अब फिर हम जा रहे थे इसकी दूसरी ब्रांच में जो कि गुलबर्ग में थी, लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो हमें पता चला कि संडे को वो क्लोज़ होती है। अभी आ चुके हैं हम घर के पास, और आधा शहर तकरीबन घूमने के बाद जब हम निकले थे काम से, वो था रबा का यूनिफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था रबा के यूनिफॉर्म के बारे में, तो वहाँ से तो हुई नाकामी और फिर हम चले गए रबा का ही एक दूसरा काम करने के लिए, उसका पीडियाश्योर ग्रो अप फार्मूला जो वो दूध में मिला के हम उसको देते हैं वो उसका ख़त्म हुआ हुआ था। और मैं बाबा से कहते रहे उसके कि अभी 2-4 दिनों में हमने ग्रॉसरी करनी है तो हम तब भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा रबा फिर 3-4 दिन कैसे गुजारा करेगी मेरी बेटी। तो हम चले गए वो लेने के लिए, और आपको पता है फिर एक चीज़ तो नहीं आती ना, फिर तो 2-4 चीज़ें और साथ जंप करके शॉपर में आ जाती हैं कि हाँ मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। जब हम स्टोर में जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ख़रीदा क्या। इसमें आप देखें ये फ्लेमिंग हॉट चीटोज़ मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, दुराब रबा, इवन राहिब भी, मैं हैरान होती हूँ किस तरह इतने स्पाइसी ये चीटोज़ वो खा लेता है। तो ये एक मस्ट हैव्स हैं जो हमारे ग्रोसरी में, एवरीडे ग्रोसरी में भी ये शामिल होते हैं। पीछे कुछ अरसे से ये डिसकंटिन्यू हो गए थे, या फिर इसका स्टॉक जो है वो नहीं आ रहा था स्टोर्स में, पता नहीं क्या रीज़न थी तो हमें नहीं मिल रहा था। ये मिल्कोलू जो बिस्किट है बहुत पहले हम लोग खाते होते थे, और आजकल फिर हमने स्टोर में देखा कि ये अवेलेबल हैं वॉफल्स, तो हमने ये भी ख़रीद लिए। लेकिन पिछली 2-3 ग्रॉसरी से ये मुस्तकिल हमारे साथ आ रहे हैं और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं। बड़े मज़े के ग्लूकोज बिस्किट हैं, तो बाबा और मेरे फेवरेट हैं, इनके बाबा के और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, तो ये भी हमने लिया। मैं इवन इस पे भी कह रही थी कि ग्रॉसरी में आ जाएगा, बाकी जो कुकीज़ घर में पड़े हैं उसी से ही काम चलाएंगे। और किसी बैग में क्या चीज़ है, हाँ ये एक मस्ट हैव है जो इनके बाबा की गाड़ी में, मेरी गाड़ी में ये जो फेनल सीड्स हैं ये हमेशा रहते हैं रोस्टेड वाले, तो ये भी इन्होंने ख़रीदे। मैं इस पे भी कहती रही कि ये हम ग्रॉसरी में ख़रीद लेंगे, उन्होंने कहा ग्रॉसरी में फिर रश बहुत पड़ जाएगा, ये ख़त्म ना हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। ये वो अहम चीज़ पीडियाश्योर 850 ग्राम्स की ये पैकिंग है, रबा का 1 मंथ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आराम से निकल जाता है, तो ये हमने उसके लिए ख़रीदा है। और कोई एक ये फेनल सीड का दूसरा डब्बा भी निकल आया, और था इन बाबा ने अपने लिए ये अपना ब्रश ख़रीदा है, टूथब्रश। ये आमतौर पे लोग तो महीने बाद चेंज करते हैं, कम से कम भी इनकी कोशिश होती है कि 15-20 दिनों के बाद मैं अपना ब्रश चेंज कर लूँ। तो हमारे ग्रॉसरी में पहले 2 इनके आ चुके थे ब्रश, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, और तो अब ये फिर लेके आए हैं, और इवन जब हम 4-5 दिनों बाद ग्रॉसरी करेंगे तो वो 2-3 और भी उठा लेंगे इस तरह से। घर पहुंच चुके हैं, बच्चों के लिए लाए हैं हम लोग गोलगप्पे, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। उसके साथ मैं अभी फिलिंग करने वाली हूँ, उनको सर्व करने वाली हूँ, दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आते हैं गोलगप्पे यहाँ पे, और साथ में और ये वाला मीठा पानी, खट्टा पानी, और पता नहीं किस तरह का पानी, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं बच्चों को नहीं देती, वो पसंद भी नहीं करते, उनको सिर्फ ये फिलिंग और ऊपर ये चटनी जो है हरी वाली, धनिया पुदीने हरी मिर्चों की चटनी, यही पसंद है इनको। तो इसमें कर लेंगे फिलिंग, एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, दो हाथ अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत हमें दी है। मेरे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही पसंदीदा आइटम है,
चटोर पन्ने का और स्नैक्स का, ये देसी इस तरह से गोलगप्पे बहुत पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि साथ हम भी एक एक खा लें, वरना तो बच्चों पे छोड़ा ये सारे ही खा लेंगे और फिर इनके लिए कोई इतने भी अच्छे नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से कुछ लग रहा था मेरा मज़े मज़े का गोलगप्पा और हम सब ने मिल के फैमिली टाइम इन्जॉय किया। इसके बाद मेरी एक लिस्ट है पूरी कामों की जो घर में करने वाली है, और मैं ढिटाई के साथ बड़ी मज़े से गोलगप्पे अपने इन्जॉय कर रही हूँ। साथ ही छोटा बाबा राहिब, उसको दिल था कि मैं खुद ही इसको फिलिंग इसकी निकाल के खुद अपने हाथों से फिर वापस इसमें फिलिंग डालूं और खुद खाऊं, कोई मेरी हेल्प ना करे। तो इस एज में बच्चों का ये भी बड़ा होता है ना कि खुद काम कोई आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनको खुद को करने दिया जाए। तो बच्चे कुछ गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ इस तरह से मस्ती टाइम इनका चलता रहा। और फिर अब चलते हैं किचन में, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के मेरे काम क्या क्या हैं जो करने वाले हैं। दो अहम काम जो इस वक्त मैं किचन में करने के लिए आई हूँ, एक तो मैंने अपने जो है ये बलाई इकट्ठी की हुई है काफ़ी सारी। मैंने पिछली दफ़ा जो तजर्बा किया था वो कामयाब हो गया था, यानी कि वो वायरल तरीका जो लोग आजकल अपना रहे हैं कि डायरेक्ट बलाई से घी निकालने का तरीका, यानी आप मक्खन के प्रोसेस से ना गुजरें, ना बर्तन गंदे हों, ना आप थकें, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो मैंने तब तक ट्राई नहीं किया जब तक मेरे अपने घर के ही किसी फ़र्द ने मुझे ये सनद नहीं दी, ये तस्दीक नहीं की कि ये वाकई मेथड काम करता है। तो मैंने पहले थोड़ी बलाई के साथ ये टेस्ट किया था तरीका, जिसमें कि आप बलाई को पिघला लेते हैं, उसके बाद आप डालते हैं इसके अंदर लीमू का रस, और लीमू के रस से जो है इसकी चिकनाई वो फटना शुरू हो जाती है। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप चम्मच मुसलसल चलाते रहते हैं, उसके बाद घी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो तजर्बा क्योंकि मेरा कामयाब रहा था, बाजी ने मुझे टेस्टेड और ट्राइड अपना तजर्बा दिया था, तो मैंने उस पर अमल किया था। तो अगली दफ़ा मैंने हौसला करके ज़्यादा बलाई इकट्ठी कर ली और आज मैं फिर घी बनाने लगी हूँ सेम उसी मेथड से। बलाई मेरी पिघल चुकी थी तकरीबन, और सारा मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है, और अब माशाल्लाह ये सारा फट चुका है और घी बनने के लिए तैयार है। तकरीबन घंटे के बाद कुछ इस तरह की शक्ल थी। मैंने उसके अंदर जो जितना भी उसका लेफ्ट ओवर था निकला, वाइट कलर का जो उसका फोका सा निकलता है, उसको भी मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ ताकि उसमें भी कच्चापन घी में टेस्ट ना आए। और वो ब्राउन जब हो जाता है उसके बाद मैं घी को अच्छी तरह से छान के तो बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरह मेरा आज का घी रेडी हो गया। इसके बाद जो अगला काम है वो है आलू तहरी, यानी कि आलू वाले चावल बन रहे हैं, क्योंकि आज का दिन मैंने बहुत बिजी बाहर गुजारा और पिछले एक दो दिनों में कहीं कोफ्ते का सालन बन रहा था, मटन बनाया, फिर चिकन का सालन बनाया। तो आज मैंने कहा क्योंकि घी एक लंबा प्रोसेस था, तो आज जल्दी जल्दी से फटाफट आलू वाले ये इस तरह चावल बना लेते हैं। प्याज फ्राई किया, उसके अंदर आलू फ्राई कर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, खड़े मसाले डाले, नमक मिर्च डाला, चिकन क्यूब डाला, और इस तरह बनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। चावलों का आमतौर पे लोग डबल डालते हैं, लेकिन मैं कम से कम भी एक गिलास की कसरत रखती हूँ। फिर इस तरह से कुछ चावल भीगे हुए 20 मिनट वाले मैंने इसमें डाले, और जब पानी खुश्क होने लगा मैंने दम पे रखा। दम जब खोला तो कुछ इस तरह के मज़े मज़े के चावल साथ में बनाया, सलाद चटनी खाई और ऊपर डाला थोड़ा सा अचार भी, और हम लुत्फानंदोज़ हुए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।